हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वाईडीएसई, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। वाईडीएसई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। तो सन 1801 में यंग ने प्रकाश मतलब तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के व्यतिकरण को सिद्ध किया था। तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उनकी जो प्रायोगिक व्यवस्था वो कुछ इस प्रकार थी। वैसे यहाँ पे रियल में उन्होंने सनलाइट यूज की थी, मतलब सूर्य का प्रकाश यूज किया था। उसके स्थान पर यहाँ पे अपन एक वर्णीय प्रकाश स्रोत काम में लेंगे। तो आप आ रही है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, और उसमें पहला लिखिए प्रायोगिक व्यवस्था। प्रायोगिक व्यवस्था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उनका प्रायोगिक व्यवस्था कैसे थी। तो देखिए, प्रायोगिक व्यवस्था में क्या था, एक पर्दा उन्होंने एल लिया, एक उन्होंने मतलब पर्दा ए लिया, ठीक है। उसने छेद कर दिया यहाँ पे ए, एक छेद उन्होंने काट ली ए। इसके आगे एक दूसरा पर्दा एम है, जिसमें दो स्लिट है S1 और S2। ये दोनों स्लिट S के सिद में ना होकर इसके थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, लेकिन जितनी दूरी पे S1 S थे उतनी दूरी पे S2 भी S थे। यानी S S1 बराबर क्या है S S2, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है बराबर, ठीक है। और इस पर्दे के आगे, यानी ये पर्दा H बोला, ये पर्दा M बोला, और पर्दे M के आगे एक तीसरा पर्दा वो है N, ठीक है। इसको अपने पर्दा N बोला। फिर क्या करते हैं, इस पर्दे पर एक वर्णीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी सिंगल वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सेम है, आवृत्ति सेम है। एक वर्णीय प्रकाश डालते हैं, एक वर्णीय प्रकाश डालने पर इस पर्दे एन पर एकांतर क्रम में चमकीली काली, ब्राइट डार्क फ्रिंजों का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, व्यतिकरण फ्रिंजे बोलते हैं, व्यतिकरण फ्रिंजे बोलते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार इस पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ये तो इसकी प्रायोगिक व्यवस्था। तो आप प्रायोगिक व्यवस्था में मैंने आपको लिखे यहाँ पे बता रखा है, आप यहाँ पे लिखोगे कि चित्र में एल एक पर्दा है, जिसमें एक रेखा चित्र एस है। इस पर्दे से आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा एम है, जिसमें जिसमें पास पास दो रेखा चित्र S1 व S2 है। एक रेखा चित्र पहले रेखा चित्र एस की सिद्ध में ना होकर ऊपर नीचे तथा एस से समान दूरियों पर, फिर एम के आगे कुछ दूरी पर एक एम के आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा एन है। जब रेखा चित्र एस पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे एन पर समान चौड़ाई की दीप्त तथा एडिप्ट, दीप्त मतलब चमकीली, एडिप्ट मतलब ब्राइट काली काली, ठीक है, एडिप्ट पट्टियों का एडिट पट्टिया एकांतर क्रम में दिखाई देती है। ये तो आ गया आपका क्या डायग्राम प्रायोगिक व्यवस्था, इसके बारे में आपने लिख लिया। फिर आगे प्रयोग की व्याख्या। देखिए उसमें क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत डालते हैं, इसमें देखो स्लिट इस पर्दे एल पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, समतल तरंगागत आपतित हुआ कहाँ पे, पर्दे एल पर। फिर यहाँ से क्या बने, गोलाकार तरंगागत निकल गया कहाँ से, वही हाइगेंस तरंग सिद्धांत है ना, सेम वही हाइगेंस सिद्धांत है। तो यहाँ से तरंगागत निकला और ये तरंगागत जाके S1 और S2 पर आपतित हुआ। यहाँ से समतल तरंगागत, इससे पीछे तरंगागत दूसरा निकला S से, ये तरंगागत जाके S1 और S2 पर आपतित हुआ। जैसे ये तरंगागत S1 और S2 पहुंचेगा तो जितनी दूरी पे S1 और S है उतनी दूरी पे S2 है, ठीक है। मतलब S1 और S2 समान तरंगागत में होगी। यानी अपन क्या करें यहाँ पे, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि यहाँ से अपन इस प्रकाश स्रोत को बना दिया कला संबंध, बना दिया कोरेंट सोर्स बना दिया, कला संबंध बना दिया। क्योंकि जैसे ही अपन इस तरंगागत को तरंगागत के विभाजन द्वारा, ऐसा क्यों करें, दो स्लिप क्यों ली, तरंगागत को विभाजित करने के लिए, जिससे कि अपना जो ये स्रोत हो क्या बन जाए, कला संबंध। कैसे, जैसे मूल स्रोत की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो वैसे ये दोनों इसमें समान दूरी पर इन समान कला पर है तो इनकी भी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा। यानी S1 और S2 क्या बन गए, कला संबंध स्रोत बन गए। इसे दो लिए बराबर दूरी के ऊपर। फिर से क्या होगा कि जैसे ही तरंगागत S1 और S2 पर पहुंचेगा तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार S1 और S2 नए स्रोत की तरह काम करेंगे, एक नए स्रोत की तरह काम करेंगे। और इनसे फिर क्या निकलेगी, द्विस्लिट के तरंगे, सेकेंडरी वेवलेट द्विस्लिट के तरंगिकाएं निकलेगी। और फिर इन द्विस्लिट तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, इन द्विस्लिट तरंगिकाओं के अध्यारोपण से पर्दे एन पर आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। आप पर्दे एन के लिखना व्यतिकरण प्रतिरूप, सेंट्रल देखो सेंट्रल, इसको बोला सेंट्रल राइट,
यहाँ पे क्या बनेगा, केंद्रीय डिस्क। कैसे बनेगा कि जो सेंटर ब्राइट है जितनी दूरी से S1 है उतनी दूरी पे S2 से, तो यहाँ पे बनेगा सेंटर ब्राइट और इसके ऊपर फिर आएगा डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। सेंटर ब्राइट केंद्रीय डिप फ्रिंज के ऊपर नीचे एकांतर क्रम में डिप एडिट पट्टियां बनेगी, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, व्यतिकरण फ्रिंजे बोलते हैं। तो क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ, तरंगिका, तरंग यहाँ पर तरंगागर होगा अध्यारोपण। अब देखिए कहाँ डार्क होगा और कहाँ डिप फ्रिंज बनेगी और कहाँ एडिप फ्रिंज बनेगी, वो डिपेंड करेगा इनके अध्यारोपण के ऊपर। देखिए जहाँ जहाँ एक तरंगिका, सॉरी जहाँ एक, पहले आगे देखिए, जो चाप मैंने वर्ड जो काट रखे, एक लगातार है फिर डॉट डॉट है फिर लगातार है फिर डॉट डॉट है, ये क्या कर रखे मैंने, इस S1 को केंद्र मानकर ऐसे चाप काटे, पहला लगातार फिर डॉट फिर लगातार फिर डॉट फिर लगातार फिर डॉट फिर लगातार, ऐसे ही S2 को केंद्र मानकर पहला चाप लगातार फिर डॉट डॉट फिर लगातार फिर डॉट डॉट फिर कंटिन्यूस फिर मतलब डॉट डॉट, ठीक है। जो लगातार चाप वो किसको बता रहे हैं, तरंगिकाओं के संघों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तरंगिकाओं के संघों को व्यक्त कर रहे हैं। और जो विच्छिन्न चाप है, मतलब जो डॉट डॉट वाले जो चाप है, वो बता रहे हैं तरंगिकाओं के गर्तों को। जहां एक तरंगिका का सरंग दूसरे तरंगिका के सरंग से, या एक तरंगिका का गर्त दूसरे तरंगिका के गर्त से मिलेगा। गर्त समझते हो, जैसे आपकी ये वेव है, इस भाग को अपन बोलते हैं सरंग, इस भाग को बोलते हैं गर्त, सरंग और गर्त। जहां एक तरंगिका का सरंग मीन्स क्लियर दूसरी तरंगिका के सरंग से, या एक तरंगिका का गर्त मतलब ट्रफ दूसरी तरंगिका के गर्त से मिलेगा, तो वहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, तो वहां पर कैसी फ्रिंज बनेगी, चमकीली फ्रिंज। या उल्टा बोलते हैं कि कहाँ डार्क बनेगी, तो जहां एक तरंगिका का सरंग, जहां एक तरंगिका का सरंग दूसरी तरंगिका के गर्त से, यानी सरंग गर्त से या गर्त सरंग से, क्या बोला, जहां एक तरंगिका का सरंग दूसरी तरंगिका के गर्त से या एक तरंगिका का गर्त दूसरी तरंगिका के सरंग से मिलेगा, वहां विनाशी व्यतिकरण होगा, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, तो वहां किसका निर्माण होगा, एडिप फ्रिंज का निर्माण होगा। और पर्दे एस या जो इसका इस पर्दे का एन का केंद्रीय बिंदु है, वहां पर देखो ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, पथांतर 0 होगा, क्योंकि जितनी दूरी पर ये S1 से उतनी दूरी से S2 से, तो पथांतर कितना हो जाएगा 0, पथांतर जो कलांतर क्या हो जाएगा 0, यानी तरंगें किसमें मिलेगी, समान कला में मिलेगी, और जहां तरंगें समान कला में मिलती है वहां प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। इसको हम बोलते हैं केंद्रीय डिप फ्रिंज, सीबी मीन सेंट्रल ब्राइट। और इस केंद्रीय डिप फ्रिंज के ऊपर नीचे एकांतर क्रम में वो काली और चमकीली फ्रिंजें दिखाई देती है, काली मतलब एडिप और चमकीली मतलब डिप, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज आपको दिखाई देगी। तो ये आपका YDSC, ये आपका इसका सिंपल स्टेटर है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है अभी, लेकिन वो टाइम लगता है, मैंने आपको पहले लिख दिया और मैंने आपको समझा दिया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपको मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको डायग्राम बना के अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ आप लिखोगे व्यक्तिकरण प्रतिरूप, ये S1 S2 ये। अब एक काम और, इसका डायग्राम थोड़ा सा बुक से और देखना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर रखा है जो, यानी बुक के अंदर, कि जहां सरंग से सरंग मिल रहा है और गर्त से गर्त मिल रहा है, उसको बुक के डायग्राम ऐसे दिखाएगा कैसे, व्हाइट बबल से, इससे व्हाइट बबल से, और जहां ए मतलब सफेद उससे बबल से दिखा रखा है, और जहां एक तरंगिका सरंग दूसरे गर्त से या दूसरे गर्त पहली के सरंग से, मतलब उल्टा सरंग के साथ गर्त या गर्त के साथ सरंग, तो हम लोग डार्क बबल दिखा, कैसे दिखाया, डार्क बबल। तो एक बार डायग्राम थोड़ा सा बुक में और मैच करना, मैंने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ नहीं किया कि वो थोड़ा सा डायग्राम बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, तो आप डायग्राम थोड़ा सा बुक से देखना, बाकी मैंने आपको ये समझा दिया, तो आप यहाँ से इसका नोट कर लीजिए, ये आपके नोट से, फिर अपन आगे पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, उसमें मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, तो आपने पढ़ दिया था जो प्रयोग की व्याख्या मैंने बोली है वो क्या है, कि रेखा चित्र एस पर एक वर्णी प्रकाश का समतल तरंगागर आपतित होता है, तो एस से एक तरंगागर निर्गत होता है जो S1 और S2 पर आपतित होता है, क्योंकि S1 और S2 स्थित बोल दो, इसको रेखा चित्र बोल दो, स्थित बोल दो, वैसे तो धारिया है, वैसे तो क्या है, धारिया है, ऐसे लंबे लंबे धारिया है, रियल में फ्रेंड नहीं है ये, क्या है, ऐसे धारिया है, समझ रहे, ऐसे धारिया है, उसको दिखाने लगा, यानी अगर मान लो धारिया है, मान लो धारिया है, अगर इसको साइड से आप देखोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक धारी बना दी थी, अगर इसको आप साइड से देखो तो यही, अगर इधर सामने से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, पूरी धारी, लेकिन ऊपर से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ एक इस तरह से डॉट था, तो रियल में उसे धारिया स्लिट है ना, धारिया लंबी लंबी, तो क्या लिखा, स्लिट रेखा चित्र एस से समान दूरी पर, अतः S1 व S2 दोनों
एक ही तरंगागर पर स्थित होंगे। जैसे ही ऐसे चलने वाला तरंगागर S1 व S2 पर पहुंचता है, तो हाइजेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं, तथा इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है। चूंकि रेखा चित्र S1 व S2 स्लिट S से समान दूरी पर है, अतः प्रकाश तरंगे S1 व S2 पर समान कला में पहुंचेगी। अतः छिद्र S1 व S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपण करते हुए पर्दे N पर पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तरंगिकाएं होंगे S1 व S2 को केंद्र मानकर सतत व असतत चाप खींचते हैं। सतत चाप तरंगिकाओं के संघों को तथा असतत चाप तरंगिकाओं गर्तों को प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट लिखोगे, जिन स्थानों पर एक तरंगिका तरंग दूसरे तरंगिका तरंग से या एक तरंगिका ग्रह दूसरे तरंगिका ग्रह से मिलता है, तो वहां पर संपोषी विकिरण होता है तथा प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, वह चमकीली डिस्क ब्राइट फ्रिंज बनती है। नेक्स्ट टाइम फिर चार लिखोगे, जिन स्थानों पर एक तरंगिका तरंग दूसरे तरंगिका ग्रह से या एक तरंगिका ग्रह दूसरे तरंगिका तरंग से मिलता है, तो वहां विनाशी व्यतिकरण होता है तथा तीव्रता न्यूनतम होती है तथा काली एडिप्स या डार्क फ्रिंज का निर्माण होता है। फिर आते हैं सेंटर ब्राइट के केंद्रीय दीप्त के ऊपर S1 और S2 से, नेक्स्ट लाइन में फिर से S1 और S2 से समान दूरी पर स्थित पर्दे पर स्थित बिंदुओं पर दोनों स्रोतों के तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है। ठीक है, पथांतर शून्य होता है तो वहां पर चमकीली फ्रिंज बनती है, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। और इस फ्रिंज के दोनों ओर एकांतरकरण में, मतलब एक बा एक इनसे इसके जस्ट ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट, डी मतलब डार्क मतलब एडिट, बी मतलब ब्राइट मतलब चमकीली, एकांतरकरण में समान चौड़ाई, चौड़ाई समान है। जो दीप्त फ्रिंज है और एडिट फ्रिंज, उनकी चौड़ाई क्या है, समान है। समान चौड़ाई की एडिट व दीप्त फ्रिंजों का निर्माण होता है। तो आप पॉज करके डायग्राम बनाए इसको, यहाँ से प्रायोगिक व्यवस्था प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था डायग्राम, उसके बाद बारे में और प्रयोग की व्याख्या। ठीक है, किन्होंने बताया व्यक्तिकरण का नाम ही किसका है, YDSC यंग डबल स्लिट, दो स्लिटों का प्रयोग है, इसमें दो स्लिट एस और एस फोर स्लिट। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई की, फ्रिंज चौड़ाई डेविशन, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। इस वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।